सहनौपुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मीमांसा दर्शन की 398वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 10वें अध्याय का तृतीय पाठ। पिछली कक्षा में चौथे अधिकरण तक हम देख चुके थे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है? आगे देखिए, पांचवा अधिकरण, पृष्ठ संख्या 326। नैमित्ति के पुनराधाने श्रुत दक्षिणाया सामान्य विहित एकादि दक्षिणाया बाधाधिकरणम्। आधान अग्न्याधान करते हैं, और यदि पुनराधान करना हो, दो बार दूसरी बार कर रहे हैं, और वो नैमित्तिक। निमित्त क्या है वो आगे भाष्य में बताएंगे वचन से। किसी कारण से दोबारा आधान करने के लिए वहां निर्देश किया गया है, तो जो नैमित्तिक पुनराधान है उसमें श्रुत दक्षिणाया, जो प्रकृति में दक्षिणा श्रुत थी, आधान में जो दक्षिणा, अग्न्याधान में जो दक्षिणा कही गई है, उस श्रुत दक्षिणा, नहीं, पुनराधान के समय जो दक्षिणा अभी श्रुत है, अभी जो दूसरा आधान कर रहे हैं इस समय भी दक्षिणा श्रुत है, कही गई है वहां पर, तो उस श्रुत दक्षिणा से सामान्य विहित एकादि दक्षिणा या, जो सामान्य विहित मतलब प्रकृति में जो सामान्य दक्षिणा कही गई है, यानी पहली बार आधान के समय जो दक्षिणा कही गई थी, उस दक्षिणा का बाधाधिकरण बाधा हो जाएगी। दोनों जगह दक्षिणा है, तो प्रश्न यह है कि दोनों का समुच्चय होगा या तो बाध हो जाएगा, सामान्य जो प्रकृति वाली दक्षिणा का है, और यहां जो श्रुति से प्राप्त हो रही है विकृति में, उसका अनुष्ठान होगा। तो इसमें पूर्व पक्षी का सूत्र है 30वां, अज्ञाधेयस्य नैमित्तिके गुण विकारे दक्षिणादानम अधिकम स्यात् वाक्य संयोगात्। तो नैमित्तिक जब अज्ञाध्यान हो, अज्ञाध्यान का, अज्ञाधेय का जो नैमित्तिक गुण विकार है, निमित्त के कारण से वहां जो अंतर किया गया है, तो उसमें जो दक्षिणादान है वो अधिकम स्यात् अधिक हो जाए, मतलब प्राकृत दक्षिणा भी रहेगी और यहां वाले भी दक्षिणा देंगे, तो अधिक दक्षिणा होवे, समुच्चय के लिए कह रहे हैं दोनों मिला करके। क्यों हेतु दिया? वाक्य सही होगा, यहां वाक्य पढ़ा गया इसलिए ये भी देना चाहिए। भाष्य में भूमिका बना रहे हैं विषय की, अस्थि पुनराधानम निमित्ते श्रूयते। निमित्त के होने पर पुनराधान है और वो निमित्त के होने पर सुना जाता है, कहा जाता है। वो निमित्त क्या है वो आगे बता रहे हैं विपरीत अल्प विराम में, भाग्य यश श्री कामानाम पुनरादधीत। जो भाग्य यश और श्री ऐश्वर्य की कामना करते हो उनके लिए पुनराधान करना चाहिए दूसरी बार। बंद कर लीजिए, फिर आगे विपरीत अल्प विराम पुनः प्रारंभ कीजिए। दूसरा और है, दूसरा वचन है ये, यो अग्निन आधाय भाग्य ज्ञानीम पुत्र ज्ञानीम वा जीयेत स पुनरादधीत इति। तो जो अग्नि का आधान करके भाग्य की ज्ञानी मतलब हानि को, शत्रु को भी बोलते हैं, शत्रु के लिए भी अर्थ किया जाता है, नहीं तो जो बुढ़ापा है, बुढ़ापा क्षय को बताता है, तो भाग्य ज्ञानीम भाग्य की क्षीणता को, न्यूनता को, पुत्र जानी पुत्र की न्यूनता को, जीत लेता है जो, वह पुनराधान करे। ये दूसरा वचन हुआ। तो पुनराधान दो वचनों से हो गया। अब इसकी दक्षिणा के बारे में यह विशेष कथन मिलता है, जिसके लिए सूत्र में पूर्व पक्ष ने कहा था वाक्य संयोगात, तो वह तत्र श्रूयते, वहां ये वचन मिल रहा है। अब विपरीत अल्प विराम लीजिए, पुनरुत्सूतम वासो दक्षिणा पुनरुत्सिष्टो अनडवान इति। तो वास दक्षिणा, कपड़ा दक्षिणा होता है, वस्त्र वो कैसा होना चाहिए? दोबारा सिला हुआ होना चाहिए, दोबारा सिला हुआ वस्त्र दक्षिणा के रूप में होता है। या पुनराधान किया उसने,
दोबारा सिल के दिया। तो कई बार एक सिलाई से सिला हुआ होता है तो फिर दोबारा भी कर देते ना मजबूती के लिए, तो दो सिलाई दो बार। ठीक है, ऐसा तो क्या करेंगे कि भाई पहली बार है वो जब उधड़ गया, पुराना कपड़ा हो जाता है ना कई बार उधड़ने लगता है, तो बोले इसको फिर से सिल लो वो पुनर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पर जैसा भी है लेकिन दो, दूसरी बार सिला हुआ वो कपड़ा एक बार। और पुनरुत्सृष्टो अनडवानिति, अनडवान बैल जो दिया जाएगा, सांड दिया, बछड़ा दिया जाएगा, वो दोबारा उत्सृष्ट है, पुनः छोड़ा हुआ है, यानी पुनः नवीनीकृत करके छोड़ा हुआ है। तो पहले एक बार छोड़ देते हैं, फिर उसको रोक लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, ये प्रक्रिया चलती है उसमें। तो फिर से नवीन हुआ हुआ है ऐसा। पुनरुत्सृष्टो अनडवान इति तथा आधाने दक्षिणा, आधान में जो दक्षिणा है वो ये बताई गई है पहले की, एकादेया, षड्देया, द्वादश देया, चतुर्विंशतिर देया, शतम देया, सहस्रम देयम, अपरिमितम देयम इति। तो एक देनी चाहिए गौ, 6 है, 12 है और 24 है, 100 है, सहस्र है, अपरिमित है, अनेक तो अपरिमित, जितनी भी देनी हो। भावना के ऊपर रहता है ना, भाई अच्छा काम शुभारंभ कर रहे हैं, अग्निदान कर रहे हैं, आदान कर रहे हैं, तो अलग अलग होता है ना, किसी कोई कितनी दे देता है, कोई कितनी दे देता है, किसी को लगता है कि भाई मेरा आगे का काम बहुत ज़्यादा अच्छा चले तो ज़्यादा भी दे देता है। तो उसी हिसाब से इसमें विकल्प दे रखे हैं, ये देनी चाहिए। लेकिन हाँ, तत्र संशय किं पुनरा धाने अज्ञाधान दक्षिणा नाम अनिवृत्ति अल्पविराम, अर्थात उसी को खोलेंगे समुच्चयः, कि पुनः आधान में अज्ञाधान की दक्षिणाओं की अनिवृत्ति है, प्रारंभ में जो किया था उसकी अनिवृत्ति है। अनिवृत्ति है मतलब तो समुच्चय है, पूर्ण विराम हटा दीजिए समुच्चय के बाद अल्पविराम। अथ अग्न्याधेय दक्षिणा नाम निवृत्ति रीति, अथवा अग्न्याधेय की जो दक्षिणा है, अग्न्याधेय का मतलब हो गया अग्न्याधेय दक्षिणा, तो प्रथम आधान जो है उसकी दक्षिणा की निवृत्ति, ये दूसरा पक्ष है। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहा है अग्न्याधेयस्य नैमित्तिके पुनराधेये दक्षिणादानम अधिकम स्यात्। ये सूत्र वाली ही बात है कि अग्न्याधेय के नैमित्तिक होने पर, फिर से होने पर, पुनराधेयन करने पर दक्षिणादान अधिक होवे। इसी को आगे स्पष्ट करें, प्राकृति नाम अनिवृत्ति ही समुच्चयति, तो प्राकृत जो है वो हटेंगी नहीं, अर्थात तो उसका समुच्चय होगा। कुतः, हेतु क्या है, एकस्मिन् वाक्ये उभयोः दृश्यन्ते, एक वाक्य में ये दोनों ही दिखाई देते हैं। उभयः, ये उभय जो है, उभय का उभयः प्रथमा बहुवचन, एक ही वाक्य में वो दोनों दिखाई देते हैं। उसके लिए वचन है आगे विपरीत अल्पविराम में, उभयैर्ददाति, उभयैर्ददाति, आगे आज्ञाधेयिकीश्च, आ कर लीजिए इसको, आज्ञाधेयिकीश्च पुनराधेयिकीश्च इति। तो उभयीर ददाती, ये जो उभय कहा है ना, उभयी दक्षिणा, ये कौन कौन सी है, तो इसमें पहली कहा आज्ञाधेयी की, आज्ञाधान वाली जो है, और दूसरी पुनराधेयी कीश्च। तो जब दोनों का स्पष्ट कथन कर दिया तो दोनों ही देने चाहिए। पीछे सिद्धांति ने ऐसा ही तो किया था, स्पष्ट कथन था इसलिए बाधा नहीं हुई थी, दोनों का समुच्चय किया दिया था। इसको यहाँ भी ये वचन दिखाई दे रहे हैं, बोले तो समुच्चय ही होना चाहिए, पर सिद्धांति तो फिर पलटी मारता है हमेशा, उसको विशेष हेतु दिखाई दे जाता है, और भी एक अतिरिक्त ना, सामान्य का अपवाद और फिर अपवाद में भी फिर और कुछ मिल गया, तो सब कुछ देख करके निर्णय करना होता है। तो ये ऐसा उदाहरण दे रखा है, और पूर्व पक्षी तो अपनी पिछली धारा में ही चलता रहता है, जितना समझाया उसी के हिसाब से चलने लगता है, तो फिर कुछ और नया समझा रहे हैं। तो तस्मात अनिवृत्ति ही समुच्चय थी, तो समुच्चय होना चाहिए। 31वां सूत्र पूर्व पक्षी का ये है, शिष्टत्वाच्च इतरासाम यथास्थानम, और जो अन्यों का है यथास्थान, उनका शिष्ट होने से, कथन किया गया होने से। तो इदम पदोत्तरम सूत्रम, कुछ ये वाक्य है उसके बाद में सूत्र समझना चाहिए। सिद्धांती कह रहा है कथम चोदक प्राप्तस्य,
एक पता अधिक है, काट लीजिए, चोदक प्राप्तस्य प्रत्यक्ष श्रुतस्य समुच्चयो भविष्यति। तो सिद्धांत ये कहना है कि चोदक प्राप्त का, चोदक प्राप्त मतलब जो प्राकृत है उसका, और प्रत्यक्ष श्रुति यानी विकृति में जो है वो प्रत्यक्ष श्रुत है, इन दोनों का समुच्चय कैसे होगा। तत्र उच्यते शिष्टत्वात् इतरासाम, सूत्र का जो अंश है उसको खोल रहे हैं आगे, प्राकृति नाम ना कर लीजिए, प्राकृति नाम वचन प्रामाण्यात् यथास्थानम समुच्चयो भविष्यति। जो प्राकृत हैं उनका वचन के प्रामाण्य से ही जहाँ भी स्थान आता है दक्षिणा का, इसका से संबंधित वहाँ समुच्चय हो जाएगा। क्यों? प्रत्यक्षम ही इदम शासनम, ये शासन तो प्रत्यक्ष, ये वचन आगे दे रहे हैं विपरीत अल्प विराम में, आज्ञाधेयी कीर दत्वा पुनराधेयी कीर ददाती। तो आज्ञाधान वाली दक्षिणा को दे करके फिर पुनराधेयी, पुनराधेय से संबंधित दक्षिणा को भी देता है, ये प्रत्यक्ष वचन दिया, इससे दोनों का ही होना चाहिए। तस्मात न बाधा प्रकृति नाम समुच्चय, तो बाध नहीं होगा, दोनों को ही देना पड़ेगा। इतना स्पष्ट वचन हो गया तो अब तो दोनों को देना ही चाहिए। ऊपर भी एक वचन आए ना, उभयीर ददाति आज्ञाधेयी कीश्च पुनराधेयी कीश्च, इससे भी था, और एक ये वचन और दिखा दिया उसने, आज्ञाधेयी कीर दत्वा पुनराधेयी कीर ददाति। तो क्या संदेह रह जाएगा, दोनों समुच्चय होना ही चाहिए। इस पर सिद्धांती कहता है 32वां सूत्र, विकारस्तु अप्रकरणे ही काम्यानि। बोले ये तो विकार है, ये जो काम्य कर्म है ये भिन्न प्रकरण में अलग जगह पे है, उसका उससे संबंध नहीं जुड़ेगा। तो तु शब्द है पक्षम व्यावर्तय इति न समुच्चयः विकारा इति, यानी न समुच्चयः अधिक नहीं होगा, विकारः इति मतलब बाद हो जाएगा पूर्व का। कुतः पूछता है कैसे, प्रश्नवाचक लगा लीजिए कुतः के बाद, तो कहता है काम्यम ही एतत् पुनराधेयम् श्रूयते, ये जो पुनराधेय है ये तो काम्य है, कामना पूर्वक ही ऐसा कामना करे तो ऐसे। तत् असति प्राकृते प्रकरणे आम्नानम् अवकल्पते न सति। तो ये कब होता है, तत् असति प्राकृते प्रकरणे, प्राकृत प्रकरण न होने पर ये जो कथन है आमनानम अवकल्पते, ये कथन संगत होता है न सती, प्राकृत के होने पर ये कथन संगत नहीं होता है, प्राकृत तो वैसे ही प्राप्त है। यत तत्र उच्यते वैकृतम तत् प्राकृतम बाधते इत्यर्थ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वहां पर वैकृत में कहा गया है वो प्राकृत की बाधा करता है, उसके लिए फिर एक ही सिद्धांत दे रहे हैं, काम्यो व नैमित्तिको व अर्थो नित्यम अर्थम विकृत्य निविशते। काम्य कर्म काम्य हो या नैमित्तिक कोई कर्म हो, वो नित्य अर्थ को विकृत करके निवेश को प्राप्त होता है। एक तो नित्य था और फिर काम्य और नैमित्तिक था, तो काम्य और नैमित्तिक जो होता है वो नित्य अर्थ को, कर्म को या उसके गुण संस्कार जो भी हैं संबंधित हों जो, उसको विकृत करके ही, यानी उसको हटा करके या संशोधित करके ही आकर के बैठता है, ये काम्य है। इसलिए यथा उदाहरण दे रहे हैं, अक्षयामय विपरीत अल्प विराम में, अक्षयामय मुद्गोदन भोजनम निवात शय्या चेति, बंद कर लीजिए। ये वचन पहले भी आया था कि नेत्र के रोग हों तो मूंग और ओदन का भोजन करना चाहिए, यानी खिचड़ी, खिचड़ी जैसा, या तो मूंग की दाल और चावल ऐसे मिला के, खिचड़ी हो या वैसे हो अलग अलग, ये भोजन करना चाहिए। और निवात शय्या च, जहाँ हवा नहीं चलती हो वहाँ पर उसको आराम करवाना चाहिए, बाहर खुली हवा में नहीं सोए, नहीं तो हवा चलती है और फिर आंखें सूखती हैं करती हैं और दिक्कत होती है, और कमरे में भी तो पंखा नहीं तेज चलना चाहिए, पंखा तेज चलेगा तो फिर आंखों पे दिक्कत आएगी, तो निवात में शयन होना चाहिए, हवा नहीं चलनी चाहिए वहाँ पर ऐसी जगह। आगे नित्यम, नित्यम इसको ठीक कर लीजिए, नित्यम शय्यासनम भोजनम च विकरोति। तो ये जो वचन है, जो नित्य का शय्यासन है सोना बैठना और भोजन है, उसको विकरोति बदल देता है, परिणमित कर देता है जो सामान्यतः खाते हैं। प्रत्यक्षम ही वैकृतम, जो विकृति में कथन किया गया है दक्षिणा का वो प्रत्यक्ष है। अनुमानिकम च प्राकृतम, प्राकृत है वो, अनुमानिक है, अतिदेश वचन से आ रहा है। तस्मात वैकृते न बाध्यते, इस विकृति में जो दक्षिणा है उससे बाधित कर दिया जाएगा। अथ यद उक्तम, और जो आपने ये कहा,
सिद्धांत ही पूर्व पक्षी को कह रहा है जो उसने खंडन किया था उसका उत्तर देगा। पूर्व पक्षी ने कहा था वचन प्रामाण्यात् प्राकृत्यो भविष्यन्ति इति, प्राकृत्यः भविष्यन्ति इति, जो प्रकृति वाले हैं वो हो जाएंगे वचन के सामर्थ्य से। इसमें त्रुच्यते सिद्धांति बोल रहा है। ता अ की जगह ऊ कर लीजिए, उभयर ददाति इति, उसने एक वचन दिया था वो ऊपर ही उभयर ददाति, इस वचन के ऊपर कह रहा है ता उभयर ददाति, यहाँ इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, ता उभयर ददाति इति नात्र विधि विभक्ति रस्ति, विधि विभक्ति तो है ही नहीं यहाँ पर, विधान नहीं है। वर्तमान उपदेशोयम, तो वर्तमान का कथन है। प्रमाणांतरम आदाय अयम अर्था प्रापिता, और दूसरा प्रमाण लेकर के आपने ये अर्थ यहां पर दिया है, उसका अपना नहीं है अर्थ। तो आगे देखिए, उभयर दक्षिणा ददाति, उभयर दक्षिणा ददाति आज्ञाधेयी की पौनराधेयी की, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, आज्ञाधेयी की आ कर लीजिए। तो वचन तो वो का वही है, उभयर ददा दक्षिणा ददाति आज्ञाधेयी की, आज्ञाधेयी की पौनराधेयी की। अब इसको खोल रहे हैं, आज्ञाधेये आज्ञाधेयी की, कैसे दक्षिणा देगा, दोनों देता है लेकिन कैसे देता है, जब आज्ञाधान करता है तो आज्ञाधेयी की देता है, पुनराधेय के पौनराधेय की, जो पुनराधान करता है तो पुनराधान वाली दक्षिणा देता है, तो दोनों हो गई ना। पहले वो पूर्व पक्षी किस तरह से ले रहा था, पुनराधान करने पर दोनों को देता है मिला करके, सिद्धांत ने कहा कि तो वचन तो ठीक है दोनों देता है, आज्ञाधान में उसकी दे देता है, पुनराधान में उसकी दे देता है, तो दोनों देता है। इस वचन से ये थोड़ा आ रहा है कि पुनराधान में दोनों देता है, ऐसा थोड़ा लिखा है इसमें, पूर्व पक्षी ऐसा अर्थ ले रहा था जहां भी पढ़ाओ ये बता रहे हैं ना, तो उसको हम मान के चलते हैं। उसने तो टुकड़ा उठा लिया, टुकड़ा उठा करके, और वो उसको पुनराधान से संबंधित ही लेकर के कर रहा है। अभी देखो और आगे, तो पुनराधेय पौनराधेय की तदेतद् भूतानुवाद मात्रम तस्मात् प्रकृतीनाम निवृत्तिरिति, ये भूतानुवाद मात्र है, पहले हो चुका है कहते हैं, अब उसका केवल कथन किया जा रहा है, तो मिला करके कथन की बात नहीं है। इसलिए पुनराधान में तो प्राकृत की निवृत्ति हो ही जाएगी। आगे 33वां सिद्धांति का ही है, शंकते च निवृत्ते है उभयत्वम ही श्रूयते, बोले निवृत्ति से शंका भी होती है, जो उसकी शंका को लेते हुए उभयत्वम ही श्रूयते, फिर यहां पर उभयत्व कहा गया है, यानी निवृत्ति की शंका हो रही थी उसके समाधान करते हुए उभयत्व कहा गया है। देखिए इदच्छ प्राकृति नाम निवृत्ति, इससे भी प्राकृत की निवृत्ति हो जाती है, कैसे, निवृत्त्याशंका दर्शनात्, निवृत्ति की आशंका के देखे जाने से, शंकते ही निवृत्ते रीति गम्यते, तो निवृत्ति में ये क्या शंका है आगे बता रहे हैं कैसे होती है, कथम तो उभयत्वम ही श्रूयते, ये उभयत्व तो सुना जा रहा है, किसका, ये उभयत्व तो व्यकृत का, व्यकृत विकृति का उभयत्व तो सुना जा रहा है, ये शंका है ना भाई, वो जो उभयत्व था वो किसका, अगर वो उभयत्व विकृति का हो तो विकृति में यानी पुनराधान में दोनों दक्षिणाएं आनी चाहिए, उभयत्वम ही श्रूयते, कैसे, तो विपरीत अल्प विराम में आगे लीजिए, यद वैकृतिर ददाति दक्षिणा उभयोपि तेन दक्षिणा प्रत्ता भवंती, प्रजा लिखा है यहाँ पर, प्रत्ता, प्रत्ता भवंती, बंद कर लीजिए, तो ये विकृति में उभयत्व का कथन मिलता है, लेकिन किस तरह से वाक्य वो देखिए, यत वैकृतिर ददाति, जो विकृति की दक्षिणा देता है दक्षिणा, तो उभयोपि तेने दक्षिणा प्रत्ता भवन्ति, तो उसके द्वारा दोनों ही दक्षिणाएं दी गई हो जाती हैं। अब इसमें ये नहीं कह रहे हैं कि इसमें विकृति में ही दोनों देनी है, जिसने विकृति में भी दक्षिणा दे दी तो उसके द्वारा दोनों दी गई हैं, तो दोनों दी गई हैं मतलब एक तो पहले दी ही गई थी, अगर विकृति में वो ये दक्षिणा नहीं देता तो दोनों दक्षिणाएं नहीं दी गई होती उसके द्वारा,
विकृति में भी दे दी, तो अब उसके द्वारा कैसा हो गया, दोनों दक्षिणाएं इसके द्वारा दे दी गई हैं, वो उसकी उस समय और इसकी इस समय। तो यद विकृति ददाती दक्षिणा उभयोपि तेने दक्षिणा प्रत्ता भवंती। तो पूर्व पक्षी कहता है ननु उभयोपि प्रदीयन्ते यथा उभयोपि प्रत्ता भवंती इत्याह। बोले यहां यूं कह रहे हैं, चूंकि यहां पर विकृति में दोनों ही दी जाती हैं, इसलिए उभयोपि प्रत्ता भवंती ये कह रहे हैं। जैसे तोड़ने की एक पहले दे दी और एक अब दे दी, बोले यहीं पर ही दोनों दे रहे हैं, इसलिए दोनों का देना यहां पर कथन हो रहा है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। तो सिद्धांत कह रहा है आज्ञाधेय की ही आज्ञाधेय, पुनराधेय क्या पुनराधेय तस्मात प्रकृति नाम निवृत्ति रीति। नहीं, इसका यह है आज्ञाधेय की आज्ञाधेय में, पुनराधेय की पुनराधेय में दी जाती है, इस रूप में वो ऐसी हो जाती हैं दोनों दीवी, इसलिए प्राकृत का तो निषेध बाद यहां पर हो जाएगा। हाँ आचार्य जी, 327वें पृष्ठ पर भाष्य की ऊपर से दूसरी पंक्ति, अग्न्याध्येय से नैमित्तिके पुनराध्येय दक्षिणा दानम अधिकम स्यात्। यहाँ पर इसको नैमित्तिक कहा, और ये 32वें सूत्र की भाष्य की वो पूर्व पक्षी ने कहा था ना वहां, तो जी ये तो शीर्षक में भी लिख रखा है नैमित्तिके पुनराध्याय ने। अब वैसे तो काम्य नैमित्तिक और नित्य कर्म अलग अलग होते हैं, ठीक है, पर गौण रूप से या तो कह दिया होगा, क्योंकि काम्य है वो भी एक कामना भी एक निमित्त के रूप में देखी जा सकती है, कामना रूपी निमित्त हो गया जी। इसमें एक ये भी कहना चाह रहा था कि ये जो 30वां सूत्र का जो भाष्य है, तो इसमें जो पंक्ति है ये भाग्य यश श्री, ये तो जी काम्य लग रहा है, और इसके बाद में जो दूसरा वाक्य है यो अग्नि ना धाय, ये वाला जो है ये ऐसा लग रहा है इसे ये नैमित्तिक है। कामना शब्द की दृष्टि से तो ठीक है, जो इसको जीत ले भाग्य को जीत ले, ठीक है, लेकिन ये तो विषय तो दोनों का ही चल रहा है, दोनों का ही साथ में चल रहा है कह सकते हैं उस बात को, क्योंकि यो अग्निन आधाय भाग्य ज्ञानिम पुत्र ज्ञानिम वा जीएता, जो जीते इसको निमित्त के रूप में देख सकते हैं। तो इन्होंने तो दोनों बात में भी काम में हो या नैमित्त को, दोनों पे ही ये बात घटेगी कि वो नित्य अर्थ को बाधित करेगा। ये अंतर तो वाक्यों से तो लग रहा है, पर इन्होंने इस तरह भेद करके किया नहीं। ठीक है, आगे देखिए छठा अधिकरण। आग्रहणे उपदिष्ट वासो वत्स दक्षिणाया प्राकृत अन्वाहार्य दक्षिणाया बाधाधिकरण। तो आग्रहण आग्रहण इष्टि होती है, तो नित्य आग्रहण इष्टि होती है, नवान्न जब लेते हैं उससे पहले की जाती है, नवसृष्टि के समान है ये, और राजसूय आदि में भी ये की जाती है, राजसूय में 5 इष्टियां की जाती हैं, उसमें 5वीं इष्टि भी ये होती है आग्रहण। तो आग्रहण में जो उपदिष्ट है वासो वत्स दक्षिणाया, वास मतलब कपड़ा, वासस और वत्स बछड़ा, इसकी दक्षिणा के द्वारा वहां ये कथन मिलता है। तो प्राकृत जो दक्षिणा है अनवाहार्य, यानी तो ओदन पका करके बस उसको तृप्ति पर्यंत पूर्ति पर्यंत उसको खिलाना, यही दक्षिणा है, उस दक्षिणा का बाद हो जाता है, ये सिद्धांती कह रहा है यहां पर, इसका पक्ष है। 34वां सूत्र सिद्धांती का यह है वात्सो वत्सम च सामान्यात। तो वास और वत्स ये भी उसको प्राकृत को बात कर लेंगे सामान्य होने से। आग्रायणम भवति, ये वचन मिलता है आगे विपरीत अल्प विराम में,
हुताध्याय यजमानस्य अपराभवाय नवानाम ऐन्द्राग्नः पुराणानाम आग्नेयः सौम्यः श्यामाका वैश्वदेवः पयसि चरुः द्यावा पृथिव्या एक कपाल इति। बंद कर लीजिए। तो जो यजमान है आहुति दे चुका है उसके अपराभव के लिए, तो नवीन अन्नों से इंद्राग्नि के लिए, पुराणों से आग्नेय के लिए, सौम्य सोम के लिए श्यामाक, विश्व वैश्वदेव के लिए पयसी चरु, और द्यावा पृथ्वी के लिए एक कपाल प्रोडाश। ये विधान किया। तत्र श्रूयते, ये तो कर्म का हुआ, उसी में दक्षिणा का सुना गया। तत्र श्रूयते वासो दक्षिणा वत्सः प्रथमजो दक्षिणा, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए। वासो दक्षिणा एक बात हो गई, कपड़े की दक्षिणा, और वत्सः प्रथमजो दक्षिणा, प्रथम उत्पन्न हुआ हुआ वत्स, पहला बच्चा, गाय का पहला बच्चा। तो अस्तित्व प्रकृतौ अन्वाहार्यो दक्षिणा इति, प्रकृति में अन्वाहार्य पचन दक्षिणा है। स इह चोदकेन प्राप्यते अतिदेश से तदत्र संचय किं वासो वत्सम अन्वाहार्यस्य निवर्तकम, व की जगह न, निवर्तकम उत अनिवर्तकम इति। तो वासो वत्स जो है अन्वाहार्य को हटा देगा या नहीं हटाएगा। किम प्राप्तम, पूर्व पक्ष कहता है चोदकानुग्रहात् विरोधाभास अवचनाच्च, विरोधाभावाच्च, ऐसा कह लीजिए, एक च और जोड़ लीजिए, विरोधाभावाच्च अनिवर्तनम अनिवर्तकम इति। चोदकानुग्रहात् विरोधाभावाच्च, विरोध का अभाव होने से अनिवर्तकम इति। पीछे यही बातें कही थी इन्होंने, अतिदेश का अनुग्रह होगा और यहां कोई विरोध है नहीं, विरोध हो तो फिर भी रोक सकते हैं। इस पर सिद्धांति कहता है, जो कि सूत्र वाली बात है, एवं प्राप्ते ब्रूम वासो वत्सम च सामान्य, सूत्र दिया है, खोल रहे हैं। उक्तम अधस्ताद आधान दक्षिणानां पुनराधेये निवृत्तिरिति। जैसे कि पीछे कहा गया था, अभी पीछे जो कहा है, उक्तम अधस्ताद आधान दक्षिणानां पुनराधेय, आधान दक्षिणाओं का पुनराधेय में निवृत्ति हो जाती है। च शब्देन अनवादेश क्रियते, तो वासो वत्सम च ये यहां पर भी निवृत्ति होगी, अनवादेश कर रहे हैं। अनवाहार्य से निवृत्ति, ये इसका तात्पर्य निकलेगा। कुतः कार्य सामान्यात्, कार्य सामान्य को खोल रहे हैं, दक्षिणा कार्य अनवाहार्य प्रकृतो, अनवाहार्य भी दक्षिणा के रूप में ही था। यह वासो वत्सम तस्मिन कार्य, यहाँ उसी कार्य में यानी दक्षिणा कार्य में है। क्यों, दक्षिणा शब्द श्रवणात, या सीधे दक्षिणा शब्द पढ़ा गया है, वासो दक्षिणा वत्स प्रथम जो दक्षिणा इति, तो दक्षिणा शब्द श्रवणा तस्मात् न समुच्चय निवृत्ति रीति प्राप्तिर वा उत्तर विवक्षया क्रियते इति। और निवृत्ति तो हो गई, और इसकी उत्तर विवक्षा है, मतलब आगे के जो सूत्र है उसकी विवक्षा से उसकी प्राप्ति की गई है। कुछ धर्मों की प्राप्ति भी है, वो आगे बताएंगे। सातवां अधिकरण, आग्रहणे वासो वत्सयो प्राकृत अनवाहार्य धर्म अनुष्ठानाधिकरणम्। तो आग्रहण में जो वासो वत्स हैं, इससे प्राकृत अनवाहार्य हट तो गया, लेकिन प्राकृत अनवाहार्य के धर्मों का तो अनुष्ठान यहां करना चाहिए। द्रव्य तो हट गया, लेकिन उसके जो धर्म है वो यहां पर भी आने चाहिए, इन दोनों में आने चाहिए, ये सिद्धांत पक्ष है। सूत्र 35वां, अर्थापत्ते तत्धर्मा स्यात् निमित्ताख्याभिः संयोगात्। तो अर्थापत्ति से ये दोनों भी उसी धर्म वाले होने चाहिए, अनिवार्य के धर्म वाले होने चाहिए, निमित्त और आख्या के द्वारा संयोग होने से। तत्रैव वाससी वत्से च संचय, वाससी वत्से इसमें अलग अलग कर लीजिए, वाससी अलग वत्से च संचय। अनवाहार्य धर्मः कर्तव्यः उतना इति, प्रश्न है ये तो, अनवाहार्य के धर्म यहाँ होने चाहिए या नहीं। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है न तावन न्याय उच्यते कर्तव्यः इति, तो ये तो उचित नहीं है कि वो ये करने चाहिए तो ये तो उचित नहीं कहलाएगा, न्याय नहीं होगा।
तेना अकर्तव्या इति मन्यामहे, वो धर्म यहाँ नहीं करने चाहिए। इस पे सिद्धांति कहता है एवं प्राप्ति ब्रूमा अर्थापत्ते तत्धर्मावत्स स्यात्। सूत्र है तत्धर्मकम च वास, कपड़ा उसी धर्म वाला होना चाहिए। साधन विशेष निबंधना ही ते धर्मा न अनवाहार्य निबंधना, बोले अनवाहार्य के जो धर्म थे वो अनवाहार्य है इसलिए वो धर्म थे, ऐसा नहीं था। वो तो साधन विशेष के निबंधन थे कि ये इसके लिए दक्षिणा के लिए दिया जाएगा, उसका जो साधन है उस साधन में ये धर्म होने चाहिए, इस दृष्टि से थे। अगर शुद्ध रूप से अनवाहार्य के लिए ही किए जा रहे होते वो धर्म, तो अनवाहार्य के ना होने से यहाँ नहीं होते। लेकिन वो तो दक्षिणा का जो द्रव्य दिया जा रहा है उसमें ये धर्म किए जाने थे, अनवाहार्य से नहीं जुड़े थे, दक्षिणा से जुड़े हुए थे। तो यहाँ ये दूसरा द्रव्य दक्षिणा के लिए है, तो इसका भी, इसमें भी वो धर्म आएंगे। तो साधन विशेष निबंधना ही ते धर्मा न अनवाहार्य निबंधना, तस्मात अन्यस्मिन अपि तत्कार्यापन्ने भवितुम अर्हन्ति इति। तो इसलिए दूसरे में भी, यानी उसके स्थान पर तत्कार्यापन्न जो है, स्थानापन्न बोलते हैं वैसे तो, कार्यापन्न भी बोल सकते हैं, स्थानापन्न होता है ना, एक के स्थान पर दूसरा व्यक्ति काम करने आता है, तो वो कार्यापन उसके उसी कार्य को, दक्षिणा वाले कार्य को करने के लिए जो आया हुआ है, तो ऐसा जो दूसरा है उसमें भी ये हो सकते हैं। गुरुपक्षी कथम पुनर्वासो वत्सम तत्कार्यापन्नमिति, ये उसका कार्यापन्न कैसे हुए ये, तो सिद्धांत उत्तर दे रहे निमित्ततया आख्याय परिक्रयण अल्पविराम। तो निमित्त के रूप में आख्या के द्वारा, कथन के द्वारा परिक्रय करने से, कि इस ऐसा हो ऐसा करके फिर उसका दक्षिणा का कथन परिक्रण की बात कही है, क्योंकि दक्षिणा जो होती है वो तो परिक्रण कैसे है, तो उसके लिए आगे कह रहे हैं दक्षिण एति, अल्प विराम हटा लीजिए, दक्षिण एति तया अभिसंयोगो भवती। तो दक्षिणा इति इस तरह से उसके साथ में इसका अभिसंयोग होता है, जोड़ता है, तो दक्षिणा है तो माना परिक्रय है। तो निमित्ततया आख्याय, निमित्त के रूप में कथन करके, परिक्रय के, परिक्रय को निमित्त के रूप में लेके, ऐसा हो तो ये करें, इसलिए ये परिक्रय ही कहलाएगा और वो उसका स्थानापन्न होगा, कार्यापन्न होगा। तो तया अभिसंयोगो भवति, अब आगे जो पूर्ण विराम है इसको हटा दीजिए और विपरीत अल्प विराम में लीजिए वासो दक्षिणा और वत्सह प्रथमजो दक्षिणा इति। इस तरह से उसके साथ में संबंध जोड़ते हैं। निमित्त पहले जो बता दिया इन्होंने, होताध्याय यजमानस्य अपराभवाय इत्यादि निमित्त बता दिए वहां पर, उस निमित्त को कह करके फिर परिक्रय के द्वारा, दक्षिणा के द्वारा यहां पर अभिसंयोग होता है, उसके साथ जोड़ा जाता है। तस्मात वासो वत्सा, वासो वत्स अनवाहार्य, हा जोड़ लीजिए वा के बाद में, तस्मात वासो वत्सौ अनवाहार्य धर्म को स्यातामिति, उसमें अनवाहार्य धर्म आएंगे। इसमें है कि कुछ ही धर्म आते हैं, सारे धर्म नहीं आते हैं, आगे और जो अगले अधिकरण आ रहे हैं, जब एक ये सामान्य नियम कर दिया कि वो धर्म आएंगे, लेकिन कौन सा धर्म आ पाएगा ये तो फिर अभी आगे थोड़ी दिक्कत आएगी ना, कि ये धर्म यहाँ कैसे होगा। ये तो सामान्य कथन है कि वो धर्म आएंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि सब धर्म, ये उत्सर्ग हैं, तो उसमें अंतर्वेदी में उसकी स्थापना करना, रखना अंतर्वेद्याम स्थापन, जो धर्म यहां पर भी लागू होंगे वो होंगे अंतर्वेद्याम स्थापनम, इनका भी अंतर्वेदी में स्थापन करते हैं। अनुमंत्रणम, उसके बाद में मंत्र बोलते हैं, वो यहां भी होगा। उत्सर्ग प्रतिग्रह, ये जो कुछ धर्म है वहां पर भी होंगे। आगे इसी से संबंधित है, आग्रहणे अनवाहार्य स्थानापन्नेपि वत्से पाक अननुष्ठानाधिकरणम। तो आग्रहण में अनवाहार्य का स्थानापन्न वत्स है, लेकिन उसमें पाक का अनुष्ठान है, पाक नहीं करेंगे, पाक भी तो धर्म है, अनवाहार्य में पाक होता है ना, तो बोले कि जब पहला उत्सर्ग आ गया कि पाक होगा, तो फिर तो वत्स का भी पाक करना पड़ेगा, सभी धर्म आ गए तो बोले पाक नहीं करेंगे, वत्स का पाक नहीं करना है। 36वां सूत्र सिद्धांति का है, दाने पाको अर्थ लक्षण, देने में जो पाक है ये प्रयोजन वाला है, तो ओदन में तो करना पड़ेगा, यहां तो कोई करने की आवश्यकता नहीं है, वत्स में तो नहीं करना है। तो तत्रैव
वत्सः प्रथमजो दक्षिणा, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, वत्सः प्रथमजो दक्षिणा इति तत्रैतत् समधिगतम अन्वाहार्य धर्मः कर्तव्यः इति। तो पूर्व पक्षी तो समझ गया कि अन्वाहार्य के धर्म यहाँ होने चाहिए। तो तदत्र संचय किम वत्से पाक कर्तव्य उतना इति किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहा है चौदह अनुग्रह चक्यत्वाच्च कर्तव्य इति, व कर लेना कर्तव्य। तो अतिदेश का अनुग्रह हो रहा है और शक्य भी है, बछड़े को पकाया जा सकता है ना, तो शक्य भी है तो किया जाना चाहिए। इस पर सिद्धांत कहता है एवं प्राप्त पूर्वमा वत्स्य दाने पाको न कर्तव्य, वत्स के दान में उसका पाक नहीं करना चाहिए। क्यों? अपक्व ही वत्सो वत्स एवा, जो पका हुआ नहीं होगा तभी तो वो वत्स वत्स कहलाएगा, पकने के बाद उसको वत्स थोड़ा ना कहेंगे। वत्स से श्रूयते न मांसम, यहाँ जो है वत्स प्रथम जो दक्षिण है इसमें तो वत्स सुना गया है, मांस थोड़ा सुना गया है, मांस होता तो पका भी लेते आप। परिक्रयाय च श्रूयते न पुरुष संस्काराय, और इसको किस लिए दिया जा रहा है, परिक्रय के लिए किया जा रहा है, पुरुष के संस्कार के लिए नहीं किया जा रहा है। पुरुष का संस्कार क्या, अगर मांस को खाता तो पुरुष का संस्कार होता भाई, वो पुष्ट होता या तृप्त होता, जो भी होता, बल ऊर्जा मिलती है उसको, तो जैसे अनवाहार्य पचन है उसको खाते हैं तो ऊर्जा आदि जो भी मिलती है। तो परिक्रय च श्रूयते न पुरुष संस्कार है, तस्मात चोदकः पाकम न प्रापयति। तो अतिदेश वचन से यहाँ पाक तो प्राप्त नहीं होगा। तद्यदि पाक क्रियेत अश्रुतः प्राणीवधः आचार विरुद्धो अनुष्ठीयेत इति। तो अगर ये पाक करेंगे तो एक तो अश्रुत प्राणीवध होगा, क्या सुना तो गया नहीं है, और आचार विरुद्ध भी होगा। तस्मात पाक होना कार्य, इसलिए पाक नहीं करना चाहिए। कष्टप्रद स्थितियों में भी कहीं ना कहीं थोड़ा हमारे मनोनुकूल सुख मिल जाता है तो जीवन चल जाता है। विपरीत ही विपरीत हो तो कुछ ना कुछ अनुकूल हो जाता है तो चल जाता है। तो देखो यहाँ पकाने का निषेध कर दिया ना, मन में समस्या है कि भाई ये करते हैं वो करते हैं। ठीक है, अलग अलग अधिकरण इसी से संबंधित है। अग्रहणे अनवाहार्य स्थानापन्ने वाससी पाक अनुष्ठानाधिकरणम्। तो अनवाहार्य में जो आपन उसकी जगह जो कपड़ा है उसमें तो पाक के अनुष्ठान, उसका भी पाक का अनुष्ठान है। तो उसमें तो था कि भाई वत्स वत्स नहीं रह पाएगा अगर पाक कर लेंगे तो, लेकिन वस्त्र को अगर पका लें तो वस्त्र तो वस्त्र ही रह जाता है, उसमें क्या आपत्ति है। तब तो उसमें तो पाक हो ही जाना चाहिए, संभव भी है और कोई बाधा भी नहीं हो रही है, इसलिए नया अधिकरण बनाया है इसके लिए। तो सिद्धांत कहता है पाकस्य च अन्नकारी तत्वात्, बोले नहीं ये भी नहीं होगा क्योंकि पाक है वो तो अन्नकरण के लिए है, खाने के लिए है, इसलिए पाक है वहां पर। वस्त्र को तो खाया ही नहीं जाना है तो फिर पाक क्यों करेंगे वहां पर। यहाँ दूसरे हेतु से रोक रहे, वत्स वाला हेतु अलग था, यहाँ अलग हेतु से रोक रहे। तो तत्रैव श्रूयते वासो दक्षिणा इति, ये पिछले वचन है वासो दक्षिणा, तत्रायम अर्थ समधिगतः अनवहार्य धर्मा कर्तव्या इति, पिछले अधिक पिछले से पिछले में आ गया। अथ पाक कर्तव्य न इति संचय, पूर्व पक्षी कहता है अर्थापत्ते है कर्तव्य, अर्थापत्ति से करना चाहिए। सिद्धांत कह रहे हैं इति प्राप्ते ब्रूमः न कर्तव्य, ये तो क्या है अन्नकारी तत्वात् इति, सूत्र का भाग है, री के बाद में त जोड़ लीजिए, अन्नकारी तत्वादिति। अन्नकारी तो ही पाक है, तो पाक है वो अन्न के रूप में करने के लिए। न च वासो अन्नम, अन्नकारी तो मतलब अन्न में ही पाक किया जाता है, कपड़ा तो अन्न है नहीं। न तत्र पाक शक्यते कर्तुमिति, उसका पाक कर भी नहीं सकते, पाक नहीं कर सकते क्या, जैसे अन्न को पकाते हैं ऐसे कपड़े को भी तो पका सकते हैं, पका सकते हैं ना, रंगते हैं, जैसे गर्म पानी में धोते भी हैं पका सकते हैं, पकाने में क्या है, ये कहने कि इसको पका नहीं सकते, पका नहीं सकते क्या कपड़े को, पका सकते हैं ना, नहीं स्वाद की छोड़ो अभी पकाने तक की बात है। तो पकाने का मतलब आग में रख करके और उसको गर्म करना नहीं होता है, उसमें गलन होना चाहिए, विकृति होनी चाहिए, वो थोड़ा होती है कपड़े में, आप पका लो तो भी क्या, वो पकाना पकाना थोड़ा है, पकाना का मतलब केवल गर्मी दे करके और उसमें गर्मी में रखना, ये थोड़ा प्रयोजन है वहां पर।
मृदुकरण होगा ना उसका, अन्न खाया जाएगा तो वो तो कपड़े में नहीं होगा, इसलिए वहां पर व्यर्थ है, वो पकाना भी व्यर्थ है उसका। तो न च वासो अन्नम, अन्न वास है ही नहीं, वास अन्न है ही नहीं, न तत्र पाका शक्यते कर्तव्य, वहां पाक ही नहीं हो सकता, तस्मात तत्र पाको न कर्तव्य इति। आगे दसवां अधिकरण, अग्रणे वासो वत्सयोः अभिघारण अनुष्ठानाधिकरण। तो ये भी धर्म था अनवाहार्य पचन का कि उसमें अभिघारण किया जाता है, घृत ऊपर से दिया जाता है, ऐसे ही सूखा नहीं खिला देते, केवल अनवाहार्य ही तो है दक्षिणा, तो उसमें घृत का सेचन भी किया जाता है, अभिघारण किया जाता है। तो बोले वत्स और वास में अभिघारण का अनुष्ठान होगा, उसकी ये धर्म यहां पर नहीं आएंगे। तो ठीक है, ये तो समझ में आ ही रहा है कैसे, तथा अभिघारण से अभिघारण का भी निषेध हो जाएगा। अग्रहण श्रूयते वासो दक्षिणा, वत्स प्रथम जो दक्षिणा, तो वचन हो गया विपरीत अल्प विराम, तत्रायम अर्थ समधिगतः अनवाहार्य धर्मा वाससी वत्से च कर्तव्या इति। पूर्व पक्षी उसी बात को अभी चला रहा है, अथायम अर्थ संशयिका किम अभिघारणम कर्तव्यम नेति, किम तावत प्राप्तम, पूर्व पक्षी अर्थापत्ते कर्तव्यम इति, करना चाहिए। सिद्धांत कहता है एवं प्राप्त ब्रूम, तथा अभिघारणस्य, अभिघारण के विषय में भी वही है क्या, किम अक्रियेति, अक्रिया होगी, अभिघारण नहीं किया जाएगा, क्यों, अभिघारणम ही अनवाहार्ये स्वादिम्ने क्रियते, अनवाहार्य में अभिघारण किस लिए किया जाता है, स्वादिष्ट बनाने के लिए, स्वादिम्ने चतुर्थी एक वचन है, उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता है, बिना गोरसम को रसो भोजनानाम, गोरस अगर नहीं है मतलब घृत नहीं है, मक्खन नहीं है, दूध छाछ नहीं है, दही नहीं है, तो क्या फिर भोजन में क्या रस है, वही तो भोजन का रस है, ऐसा करके इससे रस आता है। तो अभिघारणम ही अनवाहार्य स्वादिम्ने क्रियते, स्वादिमा ही ओदनस्य परिक्रय उपकरोति, परिक्रय उपकरोति, सप्तमी एक वचन लेंगे। तो ये जो स्वादिमा है ये प्रथमा एक वचन है, यानी जो स्वादिष्ट होना है ओदन का, स्वादिष्ट होना है ये परिक्रय में, परिक्रय के विषय में उपकार करता है, परिक्रय के विषय में उपकार करता है। अब मिठाई कितनी भी अच्छी बनी हुई हो, सब चीजें डाल रखी हो, और चखे तो देखते ही है, चखने में स्वाद नहीं आ रहा है तो सारा घी, बोले जी घी देसी घी डाल रखा है, ये डाल रखा है, वो सब चीजें डाल रखी हैं, लेकिन अगर स्वाद नहीं आ रहा है तो उपकार नहीं करती वो। तो ऐसे ये जो परिक्रय में है, तो स्वादिमा ही ओदन से परिक्रय उपकरोती, न च वाससी वत्से च स्वादिम्ना प्रयोजनम, और कपड़े में और वत्स में तो स्वादिम्ना, तृतीय एक वचन है, तो उसके अच्छा स्वादु होने से मैं कोई प्रयोजन नहीं है, तस्मात तत्र अभिघारणम न स्यादिति, तो वहां अभिघारण की आवश्यकता नहीं है। संभव तो था ना, छिड़क तो सकते ही थे घी ऊपर से, क्या बात थी लेकिन प्रयोजन नहीं है यहाँ पर, इसलिए नहीं करते, नहीं उसके शरीर पे करते ना, ऊपर डालते बछड़े पे डाल के और उसको फैला देते हैं, जो भी करते हाँ, पानी छिड़कते हैं जैसे घी छिड़क देते हैं, उसके सिर पे छिड़क देते हैं, यहाँ पर माथे पे घी, पीठ पे कर देते ऊपर। कहाँ पर, भूमो, हाँ तो वहां प्रयोजन है, प्रयोजन नहीं है, अदृष्ट क्यों, उसकी मिट्टी को ले करके रथ के अक्ष पे लगाने के लिए, हाँ अच्छी मिट्टी होती है ना, चिकनी लगा करके, वो कुछ ना होने से तो क्या करेंगे फिर, हाँ लेकिन दिखा तो रखा है ना उसका प्रयोजन तो, और वहां है भी तो वचन से नाती बाहर, यहाँ वचन नहीं है, यहाँ तो वो स्पष्ट वो नहीं कह रहा है कि धर्म आ रहे हैं, धर्म सामान्य रूप से लिया कि वो धर्म आने चाहिए, अब वहां विवेचना करनी पड़ेगी कौन सा धर्म आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा है,
ठीक है, ग्यारहवां अधिकरण, ज्योतिष्टों में दक्षिणांतर्गत गोशु एव द्वादश शत संख्या निवेशाधिकरणम। तो ज्योतिष्टों में बहुत सारी दक्षिणाएं कही गई हैं, अभी बताएंगे आगे। उन दक्षिणाओं में द्वादश शत संख्या का भी कथन किया गया है, 112। वो संख्या किन पे घटे, वहां जो द्रव्य पढ़े गए हैं उनमें से किस पे घटे, ये यहां पर प्रश्न बनेगा। तो इसमें सिद्धांति का कहना है दक्षिणांतर्गत गोशु एव गौ में ही ये 112 की संख्या घटेगी और द्रव्य में नहीं घटेगी, ये निर्णय है इसका, निवेशाधिकरणम ऐसा है। विषय उठाएंगे, इसमें संशय है, कई पक्ष हैं। तो 39वां सूत्र है द्रव्य विधि सन्निधौ संख्या तेषां गुणत्वात् स्यात्। तो द्रव्य की विधि के निकट, द्रव्यों की विधि की जा रही है, ये दक्षिणा ये दक्षिणा ये दक्षिणा, तो द्रव्य की विधि है वहां पर, ये दो ये दे सकते हो, ये दे सकते, ये देना चाहिए। तो द्रव्य विधि की सन्निधि में संख्या अगर वहां पर पढ़ी गई हो तो तेषां गुणत्वात् स्यात्, उनके गुण के रूप में हो गए उन सबके। ये पूर्व पक्षी प्रथम बोल रहा है, पहला पक्ष है ये, कई पूर्व पक्षी आएंगे इसमें। अभी यहां आगे संशय के अलग अलग प्रकार हैं, उसको अभी अगले अनुच्छेद में यहां पर वर्णित किया गया है। तो इसका ये जो सूत्र है इसका तो भाग आगे प्रारंभ होगा, अभी तो भूमिका नहीं है ना, भूमिका में अभी बहुत सारे पक्ष आएंगे। ये पहला वाला पक्ष है, ये सूत्र जो है। तो अस्थि ज्योतिष्टोम विपरीत अल्प विराम में ज्योतिष्टोमे ने स्वर्ग कामो यजेता इति, ये वचन तत्रैवम आमनायते, वहां पर ये वचन मिलता है विपरीत अल्प विराम में, गौश्च अश्वश्च अश्वतरश्च गर्दभश्च अजाश्च अवयश्च ब्रीहयश्च यवाश्च तिलाश्च माशाश्च तस्य द्वादश शतम दक्षिणा, बंद कर लीजिए इति। इतने सारे द्रव्य गिना दिए और अंत में कहा तस्य द्वादश शतम दक्षिणा, 112 यहां पर दक्षिणा होगी, 1200 नहीं, 112 अर्थ लेते हैं यहां पर। अब इसमें संदेह है, तत्र संचय किम एकैकस्य गवादेर द्रव्यस्य द्वादश शतम, क्या एकैकस्य ने प्रत्येक गौ आदि जो द्रव्य हैं सब में सबको 112 112 लेना है, ये एक पक्ष हुआ, ये पहला पक्ष है। जो हमने भी सूत्र देखा था वो यही वाला पक्ष है। आगे दूसरा पक्ष है उत एकस्य द्रव्य से, ये दूसरा पक्ष है कि इतने सारे जो द्रव्य हैं उनमें से किसी एक को 112 करके देना है, ये दक्षिणा बनेगी, सब में नहीं, प्रत्येक में या एकस्य द्रव्य से। ये दो पक्ष हुए। अब दूसरे पक्ष में भी और विकल्प बन रहा है, वो आगे बता रहे हैं। यदा एकस्य, तो ये दूसरा वाला पक्ष है, जब एक में ही 112 संख्या लगानी है तब अगला संशय क्या है, तो दूसरे में संदेह, तदा किम अनियमो यस्य कस्यचित, क्या इसमें अनियम है, इतने सारे द्रव्यों में से किसी का भी किसी को भी 112 करके दे दिया जाए। उत एकस्य नहीं, हाँ हाँ, एक एकस्य गवादे द्रव्यस्य द्वादश शतम् कहाँ चला गया, हाँ, तो तदा किम अनियमो यस्य कस्यचित उत माशाणाम इति, अथवा केवल माशों का ही, क्योंकि अंत में जो वाक्य में ना माशाश्च तस्य द्वादश शतम दक्षिणा, ये द्वादश दक्षिणा से पहले जो सन्निधि में आया है वो माश शब्द आया है, तो बोले अथवा माश का ही होगा, तो एक का होगा तो इनमें से किसी को भी, या तो केवल माश को ही 112 देना है, ये यहाँ पर हो गया। तो ये दूसरे में ही पहला और दूसरा दो भाग हो गए। आगे अथवा, अथवा करके अब तीसरा पक्ष लिया जा रहा है, सर्वसंपादनीय संख्या, अर्थात ये जो जितने भी हैं इन सबको मिला करके फिर 112 संख्या हो, ये भी ले लिया वो भी ले लिया वो भी ले लिया, सबको मिला करके 112 संख्या हो, करनी एक ही बार है 112 संख्या, ये तीसरा पक्ष हो गया। उत एक जाति यस्य, ये चौथा पक्ष है, अथवा एक जाति वाले की 112 संख्या करनी है, एक जाति वाले की, हाँ वो कोई भी हो सकता है, एक जाति वाले मतलब पशु जाति हो गई अथवा अन्य जाति हो गई, अथवा पशु में भी अलग अलग जातियां हो सकती हैं। तो उत एक जाति यस्य,
अब ये जो चौथा पक्ष है उत एक जातीय से, इसी के फिर अब और भाग कर रहे हैं। यदा एक जातीय से, तो ये चौथे का पहला होगा, यदा एक जातीय से तदा किम अनियमो यस्य कस्यचित। उसमें अनियम है कि किसी भी, किसी एक जाति का है तो मतलब कोई भी जाति ले ले, अब व्यक्ति नहीं है। पीछे जो भेद किया गया था वो व्यक्ति पे, द्रव्य पे किया गया था, यहां पर जाति की दृष्टि से कह रहे हैं। यदा एक जातीय से तदा किम अनियमो यस्य कस्यचित इति। आगे उत पशु नाम, ये चौथे में ही दूसरा पक्ष है, अथवा पशुओं की एक जाति ली जाए, किसी की भी ली जाए अथवा एक जाति ली जाएगी तो पशुओं की एक जाति ली जाए, उत्तर पशु नाम। अब इसी में फिर और प्रश्न आगे बन रहा है, यदा पशु नाम, तो चौथे का जो दूसरा पक्ष था, चौथे पक्ष का जो दूसरा था उसमें फिर दो बन रहे हैं, तो इसको चार चौथा, चौथा आप रोमन में लिख सकते हैं, फिर दो संख्या, फिर क और ख करके, और फिर उसके उपभेद कर देंगे। तो यदा पशुनाम तदा किम अनियमो ये शाम केशांचित। जब पशु का है, अब पशु जाति है, अन्य जाति है इत्यादि जो है ना, ये जातियां रूप में ले रहे हैं, तो जब पशु जाति है तो किम अनियमो ये शाम केशांचित, किसी भी पशु का ले सकते हैं। उत अथवा ये चौथे के दूसरे का ख है, उत गवाम इत्येते पक्षा भवन्ति, उत गवाम इति, अथवा केवल पशुओं में भी गाय ही ली जाएगी। ये जो ये सिद्धांत का पक्ष है, चौथे के दूसरे का ख, तो उत गवाम इत्येते पक्षा भवन्ति, ये बहुत सारे पक्ष यहां पर प्राप्त हो रहे हैं। ये तो भूमिका के रूप में हुआ इस अधिकरण के। अब जो 39वां सूत्र था पूर्व पक्षी प्रथम वाला, वो आएगा, और फिर ये किम तावत प्राप्तम। तो पहला पक्ष है द्रव्याणाम विधीयमानानाम सन्निधौ, अल्प पूर्ण विराम हटा दीजिए, केशाम द्रव्याणाम प्रश्नवाचक, तो क्या गवादी नाम। तो पहला पक्ष है कि द्रव्यों के विधीयमान होते हुए कि उनकी सन्निधि में होना चाहिए, सन्निधौ केशाम द्रव्याणाम, किन द्रव्यों का होगा, तो कहा गवादी नाम, गौ आदि में है तो केवल गाय नहीं बाकी सारे भी गवादी नाम। तो प्रश्न है कि को विधि है माना नाम, कहां पर विहित होते हुए का प्रश्नवाचक कर लेंगे, तो दक्षिणा संबंधे, दक्षिणा के संबंध में जो विधि है मान है उनके लिए, क्योंकि यूं तो और भी बहुत सारे द्रव्य कहीं कहीं विहित किए गए हैं, और द्रव्य भी तो अन्य अन्य जगहों पर विहित किए गए हैं, उनको थोड़ा ना ले लेंगे किसी भी द्रव्य को, दक्षिणा के संबंध में जो द्रव्य विहित किए गए उन्हीं में से ये बात घटेगी। तो इसलिए इन्होंने कहा कि को विधीय माना नाम, तो कहा दक्षिणा संबंध है। आगे संख्या समाम नाता, मां के आगे दो आ है, यहां की जगह ना के, ना के बाद में ले लीजिए समाम नाता, बोले संख्या वहां पर पढ़ी गई है विपरीत अल्प विराम में, तस्य द्वादश शतम दक्षिणा, न को तस्य द्वादश शतम दक्षिणा इति, वही पहला पक्ष है, तेषां गवादीनां एकैकस्य संख्या स्यात्। तो गवादी जितने भी हैं प्रत्येक की 112 संख्या हो, कुतः हेतु दे रहा है, गुणतः संख्या विधीयते गवादीनी प्रधानतः, तो द्रव्य हैं गवादी वो प्रधान के रूप में कथन किए गए हैं, और संख्या है वो गुण के रूप में कथन की गई है। यहां पर संख्या तो गुण हुई, संख्या को प्रधान थोड़ा ना कहेंगे, द्रव्यों को प्रधान कहेंगे, तो जितने प्रधान होते हैं उतनी बार गुण की आवृत्ति कर दी जाती है, गुण के अनुसार प्रधान की आवृत्ति नहीं होगी, प्रधान के अनुसार गुण की आवृत्ति हो जाती है, पहले भी आया है उसी बात को इन्होंने कहा कि गुणतः संख्या विधीयते गवादिनी प्रधानतः, कथम नैवम अभी संबंधक क्रियते द्वादश शतम स्यादिति, वहां ये संबंध नहीं है वाक्य का कि 112 होवे, अगर यूं होता कि 112 होवे तब तो 112 ही लेनी है, अब 112 कौन सी लेनी है वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन कुल मिला के 112 ही होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा तो संबंध नहीं है 112 हो गए, बता रहे हैं आगे, नैवम अभी संबंध क्रियते द्वादश शतम स्यादिति, कथम तरी द्वादश शतम तस्य इति, उसकी बार 112 होगी, वचन क्या था ऊपर, माशाश्च तिलाश्च माशाश्च तस्य द्वादश शतम दक्षिणा। इस सिद्धांत ये वाला पूर्व पक्षी ये कह रहा है, सिद्धांत नहीं, कि यूं थोड़ा ना कहा जा रहा है कि तस्य द्वादश शतम स्यात्, ये जो द्रव्य हैं इनका 112 होवे, कई बार हो जाता है ना भाई, ये 5-6 फल दे दो, 5 किलो दे दो, ये 5-6 फल हैं 1 किलो कर दो, कई जगह देने होते हैं ना कई फल, 5,
ये थोड़ा ये लिया, थोड़ा वो लिया, थोड़ा कुल मिलाकर के 1 किलो देना है। अब वहां प्रयोजन 1 किलो देना है या 2 किलो देना है, निश्चित मात्रा है। अब उसको पूरा करना है, वहां ये मतलब नहीं है कि कौन सा कितना कितना लिया, वो क्या अभी थोड़ा सा ये दे दो, थोड़ा लगभग बराबर करके दे दो। टोकरा वगैरह बनाते हैं ना आजकल भेंट वगैरह में, कई पूजा पाठ में भी ऐसे ही डालते हैं, वो रखते हैं वहां पर। तो बोले ऐसा संबंध तो है नहीं कि 112 बना करके देनी है, यहां तो ये जो चीजें कही गई हैं उनका 112 होना चाहिए। तो कथम तरी द्वादश शतम तस्य इति, आगे एवं यस्य, यस्य की जगह तस्य कर लीजिए, एवं तस्य ग्रहणम अर्थवत भवति। तो उसका द्वादश शत है, ये जो इसने अर्थ का संबंध जोड़ा है पूर्व पक्षी प्रथम ने, तो बोले कि इससे फायदा क्या होगा कि ये जो तस्य शब्द का ग्रहण है ये सार्थक हो जाएगा। नहीं तो अगर यूं करना होता कि इनका द्वादश, ये द्वादश हो तो तस्य शब्द की आवश्यकता वहां नहीं थी, व्यर्थ हो रहा था वो। तो ऐसा करने से तस्य ग्रहणम अर्थवत भवति, तस्य शब्द का ग्रहण सार्थक हो जाएगा। इतरथा तद अनर्थकम व अनुवादो वा स्यात्, नहीं तो वह मतलब ये तस्य शब्द या तो अनर्थक होगा या तो इसको हमारे को अनुवाद मानना पड़ेगा। और आगे कह रहे हैं पुष्टि में, एक वचनम अपि प्रकृतापेक्षम लक्षणया अनुत्येत, ये इष्ट है, ये चाह रहे हैं मतलब इससे लाभ होगा। ये जो एक वचन है तस्य में, जो एक वचन है वो भी प्रकृत की अपेक्षा से, लक्षणा से अनुदित होगा, अच्छा होगा। यहां द्वादश शतम, तस्य द्वादश शतम, तस्य में भी एक वचन है और द्वादश शतम में भी। अगर वो यूं कह रहे हैं कि अगर सबका मिलाकर के 112 करना होता तो तस्य शब्द नहीं आता वहां पर, तेषाम आ जाता। तेषाम आता ना, इन सबका अगर 112 है लेकिन सबको कह करके तस्य द्वादश शतम दक्षिणा, ये एक वचन कहा गया है, इसे पुष्टि कर रहा है कि प्रत्येक पे लगेगा। तो एक वचन हमें भी प्रकृतापेक्षम लक्षणाया अनुद्येत, प्रधान सन्निधौ च गुणः शिष्यमाणः प्रतिप्रधानं भित्येत इति। और यहां पर चूंकि एक वचन है तो प्रधान की सन्निधि में, इन द्रव्यों की सन्निधि में जो गुण यानी संख्या शिष्यमाण है, कथित है, तो प्रतिप्रधान भेद को प्राप्त होगी, हर जगह पर यह संख्या लगेगी, कुल मिला के नहीं, 112 112 सब पर लगेगी। अस्थि चैतया संख्या प्रयोजनम, और इस संख्या से प्रयोजन भी है या सार्थक है। गवादिनी द्रव्याणी तत्संख्यानी कर्तव्यानी, गवादि जितने भी द्रव्य वहां कहे गए हैं ये सब इस संख्या वाले कर देने चाहिए, 112 112 होने चाहिए। तत्र गम्यते विशेष, उसमें ये तो कहा नहीं गया है कि कौन 112 किया जाए, किम एतत् संख्यम कर्तव्यम किम न इति, किसको 112 संख्या से युक्त करें किसको नहीं करें, ये तो कुछ वहां पर वर्णन किया नहीं गया। यदेव द्रव्यम नैतत् संख्यम स्यात्, पूर्ण विराम हटा लीजिए, तत्प्रतिश्रुतिर बाध्येत, जिस भी द्रव्य के प्रति 112 संख्या को नहीं करोगे उसके प्रति श्रुति की बाधा हो जाएगी, भले ही अन्य द्रव्यों में सार्थक हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक में 112 संख्या जोड़नी चाहिए, जोरदार तर्क है ना। इसमें जी ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो अन्न है उसमें 112 कैसे करेगा ये? क्यों गिन नहीं सकते क्या अन्न? दाने से करेगा और क्या 112 गिन लो, कौन सी बड़ी बात है। तो यदेव द्रव्यम नैतत् संख्यम स्यात् तत्प्रतिश्रुतिर्बाध्येत तस्मात् एकैकम् एतया संबद्धव्यमिति, तस्मात् एकैकम् एतया संबद्धव्यम्, तो प्रत्येक द्रव्य इस संख्या से जोड़ना चाहिए, यह प्रथम पक्ष हुआ। आगे 40वां सूत्र ये पूर्व पक्षी का है, लेकिन द्वितीय पूर्व पक्षी यानी जो दूसरा पक्ष था वो है ये सूत्र है। समत्वात्तु गुणानाम एकस्य श्रुति संयोगात, बोले सम होने से गुणों के एक में ही ये 112 संख्या लगनी चाहिए, श्रुति का संयोग तो यही कह रहा है, श्रुति के संयोग से एक ही में घटनी चाहिए। अब इसके अपने तर्क देखिए ये कैसे जोड़ रहा है। तो तू शब्द है पक्षम व्यावर्त इति तस्य तस्य द्वादश शतम इति नैतदेवम, यहां पर ये थोड़ा लिखा है तस्य तस्य द्वादश शतम, उसका द्वादश शत होगा, तस्य तो एक ही बार पड़ा हुआ है विपसा होती सबको एक ही बार पड़ा हुआ है, दो बार तो पड़ा हुआ नहीं है। तो तस्य तस्य द्वादश शतम इति नैतदेव, बोले ऐसा थोड़ा पड़ा हुआ है। अच्छा देखो, हम जब उसका पूर्व पक्षी का सुन रहे थे तस्य द्वादश शतम, तो हमारे को आ गया था ना कि हाँ एक वचन है तो सब पे घटना चाहिए,
और ये तस्य तस्य थोड़ा ना पढ़ा हुआ है यहाँ पर, ये शब्द माह तदस्मागम प्रमाणम, कह क्या रहा है ये शब्द है? कितने पक्ष उठ सकते हैं, देखो विवेचना है कहीं कि तस्य तस्य द्वादश शतमिति नहि तद एवं एकस्य कस्यचित् द्वादश शतम स्यात्। ठीक है, एक ही का एक ही का होगा। कुतः, क्यों? समत्वात् गुणानां, गुणों के समान होने से। कैसे? गवादयोपि ही दक्षिणा संबद्धा संख्यापि, गुण जो है वो भी सम है, ये सब दक्षिणा से जुड़े हुए हैं। तो गवादी जो द्रव्य है वो भी दक्षिणा से संबद्ध है और संख्या भी दक्षिणा से संबद्ध है। तो समत्व कैसे देख रहे हैं, यानी प्रधान और गुण की दृष्टि से तो असमत्व आ रहा था, लेकिन ये दक्षिणा से जो जोड़ करके कह रहे हैं, बोले ये भी दक्षिणा से जुड़ा हुआ है, ये भी दक्षिणा से, इस दृष्टि से समान है। एक बड़ा अधिकारी हो, छोटा अधिकारी हो, बड़ा छोटा कह रहे हैं, बोले आप भी सरकार की नौकरी करते हो, मैं भी सरकार की नौकरी करता हूं, मैं आपकी नौकरी, तो समान हुए ना? नहीं तो वो सेवक कहे, बड़ा अधिकारी तो कहे कि भाई सेवक मेरी सेवा कर रहा है, मेरे लिए है। बोले नहीं, मैं आपके लिए नहीं, मैं सरकार की सेवा, मैं सरकार का नौकर हूं, आपका नौकर नहीं हूं। बड़ा बोले आप भी नौकर हो सरकार के, मैं भी नौकर हूं सरकार का, तो समत्व हो गया ना। तो दोनों दक्षिणा से जुड़े हुए, एक दृष्टि देख रहा है ये ऐसे, समत्वात् गुणानां गवादयोपि ही दक्षिणा संबद्धा संख्यापि न गवादीनां संख्या विधीयते। यहां पर गौ आदि की संख्या नहीं कही जा रही है। अभी तक क्या देख रहा था वो, पहले वाला द्वादश शतम को द्रव्यों से जोड़ रहा था ना, कि द्रव्य और प्रधान और गुण ले रहा था। बोले 112 संख्या द्रव्य के लिए थोड़ा ना कही जा रही है, ये तो दक्षिणा के लिए कही जा रही है। तस्य द्वादश शतम दक्षिणा, क्या कह रहा है वचन? द्वादश शत, ये जो संख्या है ये किससे जुड़ रही है? दक्षिणा से जुड़ रही है, द्रव्य से थोड़ा ना जुड़ रही है। ओके जी, द्रव्य ही तो दक्षिणा के रूप में दिया जा रहा है, वो द्रव्य ही तो दक्षिणा है। बोले नहीं, वाक्य की दृष्टि से। अब यहां जब विवेचना आएगी तो बोले ये द्वादश संख्या द्रव्य से जुड़ करके, हालांकि द्रव्य दक्षिणा है, लेकिन वाक्य में 112 संख्या द्रव्य से नहीं जुड़ रही है। बोले संख्या से दक्षिणा से जुड़ रही है, तो इसलिए सबके साथ आप नहीं जोड़ सकते इसको। दक्षिणा जो है वो 112 होनी चाहिए, और कौन कौन सी, ये द्रव्य हो सकते हैं और 112 संख्या होनी चाहिए दक्षिणा की, ऐसे कहा जा रहा है यहां। तो न गवादी नाम संख्या विधीयते, दक्षिणा तो संख्या विशिष्टा चोद्यते न गवादे, तो दक्षिणा ही संख्या से विशिष्ट कही जा रही है, ना कि गवादी। ने पूछता कुतः, ऐसा कैसे अर्थ ले रहे हो? अरे संख्याया दाक्षिण्येन अनभिसंबंधे सति अनियत संख्यानाम गवादीनाम दक्षिणा संबंधेन अनर्थक्यमेव संख्याया स्यात्। बोले कि संख्या का दाक्षिण्य से अनभिसंबंध होने पर, मतलब संख्या का, 112 संख्या का अगर संबंध नहीं होगा तो, अनभिसंबंध होने पर अनियत संख्यानाम गवादीनाम, गवादी जो है वो अनियत संख्या वाले, निश्चित संख्या वाले नहीं होंगे, गवादी नाम दक्षिणा संबंधे ना, और ये जो गवादी हैं अनियत होते हुए दक्षिणा के साथ में जुड़ेंगे तो अनर्थक्यमेव संख्या ऐसे आज संख्या का अनर्थकता हो जाएगी। क्या कह रहा है ये? ये जो दाक्षिण्य का मतलब है जो दक्षिणा में दी जाने वाली वस्तुएं हैं। बोले संख्या, यदि संख्या का यदि दाक्षिण्य से अनभि संबंध होगा, दाक्षिण्य से, तो एक मिनट रुको, संख्याया दाक्षिण्येन अनभिसंबंधे सति, दक्षिणा से संबंधित जो द्रव्य है उससे अगर आप संबंध नहीं रखोगे तो अनियत संख्यानाम गवादीनाम, तो गवादी जो है वो तो अनियमित अनियत संख्या वाले हो जाएंगे, तो उसका दक्षिणा संबंध से संख्या का अनर्थक्य हो जाएगा। इसको यूं देखिए, आगे देखते हैं, पहले देखो संख्येय सामानाधिकरण्याच न कर लीजिए, संख्येय सामानाधिकरण्याच तत्शब्द से बहुवचनम प्रसज्येत। संख्येय के साथ अगर इसका सामानाधिकरण्य कर दें, संख्येय मतलब ये जो द्रव्य हैं ये, तो तत्शब्द से, तत्शब्द मतलब ये जो तस्य शब्द था वहां पर, तत्शब्द उसका बहुवचनम प्रसज्येत, बहुवचन प्रसक्त होगा, तेषाम आना चाहिए वहां पर। गवादिशु,
अल्प विराम हटा लीजिए, गवादिशु तस्य द्वादश शतमिति चैक वचनम न स्यात्। तो गवादिशु गवादियों में सभी में मतलब सर्वेशु तस्य द्वादश शतम उसका, तस्य शब्द पर केंद्रित है, तस्य द्वादश शतमिति एक वचनम न स्यात्, तेषा माना चाहिए था। तस्मात् यस्य कस्यचित् परिक्रय साधनस्य द्रव्यस्य एतस्याम संख्यायाम कृतायाम एतत् संख्या परिक्रयः कृतो भवति। तो इसलिए जिस किसी का भी तस्मात् यस्य कस्यचित् परिक्रय साधनस्य, परिक्रय का जो भी साधन है, जो कोई भी हो, उस द्रव्य की इस ये संख्या होते हुए, इस संख्या में उनके होने पर ये संख्या परिक्रयः एतत् संख्या परिक्रयः कृतो भवति, इस संख्या वाला परिक्रय फिर हो जाएगा। परिक्रय मतलब दक्षिणा, दक्षिणा इस संख्या वाली होगी। जिस किसी भी एक के साथ में जब जुड़ेगा, जुड़ेगी 112 संख्या, तो 112 संख्या परिक्रय से संगत हो जाएगी, उस संख्या वाला परिक्रय संगत होगा। अगर सबके साथ में जोड़ देंगे तो वो संख्या परिक्रय के साथ में संगत नहीं होगी, क्योंकि संख्या अधिक हो जाएगी। तस्मात् एकस्य संख्या न एकैकस्य, किसी एक की संख्या है ये, एक एक की यानी प्रत्येक की नहीं है। एवं एक वचन श्रवणम युक्त रूपम भविष्यति, तो एक वचन का जो श्रवण है वो युक्त रूप होगा, तस्य का भी और द्वादश शतम का भी, दोनों का संगत हो जाएगा। इस पंक्ति को पीछे वाली को फिर देखिए, इन्हें पूछा था, ये चौथी पंक्ति से देख लीजिए, दक्षिणा तो संख्या विशिष्टा चोद्यते न गवादे, ये इसका मत है द्वितीय पूर्व पक्षी का। दक्षिणा संख्या से 112 संख्या से विशिष्ट कही जा रही है गौ आदि नहीं। अब इसमें यह हेतु दे रहा है, कुतः, दोष दिखा रहा है कि संख्याया दाक्षिण्येन दाक्षिण्येन अनभिसंबंधे, अगर संख्या को दक्षिणा से संबद्ध न किया जाए तो ठीक है, क्योंकि द्रव्यों से ही किया जाएगा। तो संख्याया दाक्षिण्येन अनभिसंबंधे सति, यहां तक हो गया। अनियत संख्या नाम गवादीनाम, तो इससे संबंध नहीं करेंगे तो गौ आदि है वो अनियत संख्या वाली होंगी, अनियत संख्या नाम गवादीनाम दक्षिणा संबंधे न, तो गाय आदि जो होंगी वो अनियत संख्या वाली होंगी। अनियत संख्या क्यों होगी, कि सब में आप 112 लोगे कैसे करोगे, उन द्रव्यों में अगर 112 लोगे उसमें तो कई पक्ष आ जाएंगे, प्रत्येक को 112 या सब मिला करके 112, ऐसे वहां निश्चित संख्या नहीं आएगी। तो अनियत संख्या नाम गवादी नाम, और दूसरा इसमें यू भी एक दूसरा दोष ये भी देख सकते हैं कि अब 112 को यदि द्रव्यों से जोड़ दिया तो वो 112 यदि सबको मिला करके 112 कर रहे हैं तो भी अनियत होगा, इनमें से कौन सी कितनी ली जाए, वो सब भी अनियत संख्या वाले होंगे। सबको 112 करते हैं तो भी संख्या 112 से ज्यादा हो जाएगी कुल मिला करके, तो ये संख्या का अनियत रूप से संबंध दिखा रहे हैं। अनियत संख्या नाम गवादी नाम दक्षिणा संबंधे न, और वो जो द्रव्य हैं संख्या से युक्त तो गवादी द्रव्य होंगे और गवादी द्रव्य दक्षिणा से जुड़ेंगे, तो अनियत संख्या वाले गवादी का दक्षिणा से संबंध होगा, नियत संख्या वाले का नहीं होगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो संख्याया दाक्षिण्येन अनभिसंबंधे सति, अनियत संख्या नाम गवादी नाम दक्षिणा संबंधे न, उसके साथ संबंध होने पर अनर्थक्यमेव संख्या ऐसा, वह फिर तो संख्या ही अनर्थक हो जाएगी। कैसे अनर्थक हो जाएगी, कि भाई आप 112 कैसे घटाओगे, यहाँ पर 112 संख्या कही गई है तो 112 संख्या घटनी भी तो चाहिए। अब अगर प्रत्येक मैं क्या उहा करके ही बोल रहा हूँ, कैसे अनियत, एक दृष्टि से तो 112 संख्या को घटाएगा वो, और ये कहेगा दूसरा वाला कि यहाँ 112 संख्या निरर्थक हो रही है। अगर प्रत्येक में 112 करेंगे तो बोले कि कुल मिलाकर के ज्यादा हो जाएगी, तो संख्या यहाँ 112 पढ़ना व्यर्थ हो रहा है, उसने तो प्रत्येक में जोड़ी 112, ये कह रहा है कि 112 संख्या व्यर्थ हो रही है। और अगर वो सबकी मिलाकर के 112 संख्या कर दे, कुल मिलाकर के 112 किसी ने तरह तो लगाएगा ना वो, तो बोले कि नहीं ये 112 भी निरर्थक हो रही है, क्योंकि जो प्रत्येक ले रहे हो वो उसमें तो अनियतता रह जाएगी, कोई कितना कोई कितना, तो ऐसे करके किसी न किसी तरह से ये अनियतता देख रहा है, बोले 112 संख्या संगत नहीं होगी।
लेकिन यदि एक ही द्रव्य 112 लिया जाए तो अब संख्या संगत हो रही है, यहां से 112 संख्या निरर्थक नहीं हो रही है। आप दूसरे ढंग से करोगे तो 112 से ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा होगा या बराबर भी होगा तो भी उसमें संख्या का व्यर्थ कथन हो जाएगा। जिस भी एक द्रव्य को लेंगे सबकी मिलाकर के 112 ली है तो एक एक की तो 112 नहीं हुई, तो सबकी मिला के हुई, द्रव्यों में तो 112 संख्या नहीं घटी ना, एक एक द्रव्य में तो 12 नहीं, तो सब मिला करके 112 संख्या घटेगी। ऐसे कहीं ना कहीं ये गलती देख रहा है, अनर्थक में वो संख्या ऐसे आता। हाँ, यहाँ जो दाक्षिण्य न अनभि संबंध है, यहाँ पे दाक्षिण्य से एक वचन से एक द्रव्य के साथ अगर संबंध नहीं करेंगे ऐसा अर्थ कर रहे हैं। संख्याया दाक्षिण्य न अनभि संबंधे सति अनियत संख्या नाम गवादीनाम, एक से नहीं करेंगे तो ठीक है ऐसा कर सकते हैं, संख्या का एक के साथ में। वैसे दक्षिणा और दाक्षिण्य, दाक्षिण्य शब्द अलग हो गया ना, दक्षिणा से संबंधित जो है तो उसका भाव है, तो नहीं भाव तो है उससे जोड़ करके, तो संख्याया दाक्षिण्य न अनभि संबंधे, तो दक्षिणा संख्या के दक्षिणा के भाव से संबंध न होने पर, तो दक्षिणात्व के साथ में ये तो ठीक है, ये दूसरा पूर्व पक्षी तो संख्या को दक्षिणा से जोड़ रहा है, तो उसका मतलब तो यही निकलेगा ना कि ये दक्षिणा, अगर आप दक्षिणा से नहीं जोड़ रहे हो तो यूं कह लो दक्षिणा के भाव से नहीं जोड़ रहे या दक्षिणा से नहीं जोड़ रहे, स्वार्थ में मतलब, फिर भी भाव भी लो तो भी कुल मिला के तो हमारे को अर्थबोध तात्पर्य तो वहीं पर ही निकलेगा। जैसे पीछे अरुणा न्याय आया था तो उसमें जो गुण होता है और द्रव्य होता है दोनों ही मतलब किसी चीज से जुड़ती है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो संख्या है और जो द्रव्य हैं वो दोनों दक्षिणा से ही जुड़ेंगे ऐसा ये कह रहा है, पहले हो गया। हाँ हाँ, अगर अब इसमें कह रहे हैं कि संख्या को यदि हम दाक्षिण्य के साथ में नहीं जोड़ेंगे, यानी द्रव्य से जोड़ेंगे, जी द्रव्य से भी नहीं जोड़ेंगे, अभी जोड़ेंगे ही नहीं, अच्छा हमने दक्षिणा से उसको नहीं जोड़ा, ऐसी स्थिति में जो गवादी हो गए वो अनियत संख्या वाले हो गए, और हाँ मतलब फिर कहीं भी नहीं जोड़ेंगे तो व्यर्थ हो रही है संख्या, वो अलग बात है। हाँ जी, संख्या या दाक्षिण्य ने आने भी संबंधे सती अनियत संख्या नाम गवादी नाम, गवादी अनियत संख्या वाले हो गए, और उन अनियत संख्या वाले गवादियों का दक्षिणा संबंध है ना, उनको दक्षिणा से जोड़ दिया उन द्रव्यों को, यानी संख्या रहित द्रव्यों को यदि दक्षिणा से जोड़ दिया तो अनर्थक में संख्या ऐसा, ठीक है जी ऐसा कर लीजिए। फिर आगे उसी को कह रहे हैं कि अगर फिर हम संख्या के साथ में जोड़ेंगे तो फिर अगला पक्ष आएगा, वो आगे आ जाएगा, ठीक है। यानी दक्षिणा के साथ में तो संबंध जोड़ा नहीं और गवादी से संबंध जुड़ा हुआ नहीं है तो उनकी संख्याओं का अनर्थक हो जाएगा, ठीक है ऐसा ले सकते हैं। आगे तो इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है, पूर्व पक्षी नहीं, पूर्व पक्षी प्रथम, ये पूर्व पक्षी द्वितीय चल रहा है, इसके विपक्ष में बोलेगा पूर्व पक्षी प्रथम। तो ननु लक्षणात्वात् तस्य शब्दस्य अविवक्षितम वचनम, जो तस्य है इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, पूर्व पक्षी कह रहा है कि यहाँ पर तस्य शब्द का वचन जो है वो अविवक्षित है, क्योंकि ये लक्षणा है, लक्षणत्वात् लक्षण है, ये गौण रूप से कथन किया गया है, गौण कथन होने से यहां पर वचन अविवक्षित है, या तो इसको कहो कि अनुवाद किया जा रहा है, ये विधि तो है नहीं, तस्य शब्द तस्य तो यानी सर्वनाम है तो किसी और का ही तो कथन है, उक्त उक्त का ही तो कथन करेगा, तो इस दृष्टि से ये अनुवाद हुआ, लक्षण हुआ ना एक तरह से, अनुवाद हुआ, और अनुवाद हुआ तो इसमें संख्या जो है वचन जो है वो अविवक्षित है, उसने तस्य को लेकर के एक वचन को लेकर के कथन कर दिया था ना, तो बोले ये तो अविवक्षित है, गौण है, यानी तो ये अनुवाद है, ऐसा करके कर सकते हैं। तो इस पे उच्चते पूर्व पक्षी द्वितीय बोल रहा है,
अविवक्षिते अपि वचने या संख्या अनुद्यते तेन वचने न भवितव्यम्। बोले भले ही ये अविवक्षित है, वचन अविवक्षित है, तो भी जो संख्या यहां पर कही गई है उसी वचन वाला होना चाहिए, ऐसा ही अपना आग्रह रख रहा है। कैसे? यथा लक्षणत्वेन अपि उच्यमाने ब्राह्मण जातियों न हंतव्य इति। बोले लक्षण के रूप में कही जाता हुआ ब्राह्मण जातियों न हंतव्य इति न द्विवचनांतेन निर्देशो भवति ब्राह्मणौ न हंतव्यौ इति। तो ब्राह्मण जातियों न हंतव्य, तो ये ब्राह्मण जाति है, यहाँ पर ये अनुवाद ही है एक तरह से, पहले से है न हंतव्य ये कथन है। तो बोले ऐसा होने पर भी यहाँ द्विवचन नांत से तो निर्देश नहीं होता है ब्राह्मणो न हंतव्यौ इति, तो इसलिए ये कहना चाह रहा है कि लक्षणत्व में होते हुए भी वहां पर जो वचन है, जो पढ़ा गया है, उसी वचन वाला होना चाहिए। आप मनमाना नहीं कर सकते इसमें कि आप और भी कुछ ले आएंगे। अब चूंकि इन्होंने उसने बोल द्विवचन का दिया, तो अब उसका खंडन पूर्व पक्षी प्रथम कर रहा है। आह जात्याख्यायम एकस्मिन बहुवचनम भवति। बोले जाति का कथन करना हो तो एक होते हुए भी बहुवचन होता है, द्विवचन थोड़ा ना कहा है वहां पर, बहुवचन ही तो कहा है, बहुवचनम भवति। बहुषु वा एकवचनम भवति न तो एकस्मिन बहुषु च द्विवचनम भवति। बहुत हो तो भी एकवचन हो जाता है, लेकिन न तो एकस्मिन, बहुत हो तो एकवचन होता है, यानी बहुत व्यक्ति हो तो उसमें जाति मान करके एकवचन का प्रयोग हो जाएगा। बहुषु वा एकवचनम भवति न तो एकस्मिन बहुषु च द्विवचनम भवति। लेकिन एक में या बहुत में द्विवचन तो नहीं होता है। अस्मदोद्वयोश्च, उसको छोड़ दो, बाकी यूं द्विवचन नहीं होगा, या तो एक वचन होगा या बहुवचन होगा। तो न तो एकस्मिन बहुषु च द्विवचनम भवति तेनात्र बहुवचनांतेन निर्देशः एकवचनांतेन वा बहुषु निर्देशो भवति। तो यहां पर बहुवचनांत से निर्देश कर लें अथवा एकवचनांत से बहुतों में निर्देश कर लें। बहुवचनांत से भी बहुतों का निर्देश कर सकते हैं और एकवचनांत से भी बहुतों का निर्देश कर सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। अर्थात यहां पर वचन अविवक्षित है, इसलिए आप एक ही में लागू कर रहे हो यह कोई बात नहीं है, अनेकों में भी कर सकते हैं। अब इसे पूर्व पक्षी द्वितीय कह रहा है, अत्रोच्यते जात्याख्यायाम एतदेवं भवति। बोले ये जो है किसमें होता है, जाति की आख्या हो तब होता है जात्याख्यायाम। न च तत्शब्देन जातिरभिधीयते। तत्शब्द मतलब यहां जो तस्य है उससे जाति तो कहीं नहीं जाती है, जात्याख्या में हो जाए भले ही, तस्य शब्द में तो नहीं हो सकता, यहां तो जाति में नहीं कह सकते आप, लगेगा ही नहीं यहां पर। न च तत्शब्द न जातिरभिधीयते सन्निहित व्यक्ति वचन एष भवति। तस्य शब्द यानी जो सरनाम है, सन्निहित की जो निकट में पढ़ा गया है उस व्यक्ति का कथन करने वाला होता है, सन्निहित व्यक्ति वचन एष भवति। तस्मात एकस्य कस्यचित संख्या इति, इसलिए किसी एक की ही 112 संख्या होनी चाहिए। ये दूसरा पक्ष हो गया, और पक्ष आगे देखेंगे। तो हाँ पूछो, यहाँ तत् की जाति नहीं मानी, तत् शब्द को जाति में प्रयोग मना कर रहे, तो इस ये जाति को कहने में नहीं है, प्रयोग तो कर सकते ना जाति में, तो बहुत सारी दक्षिणाएं हैं अलग अलग द्रव्य, उन सब के लिए तत् से कर दिया। नहीं, तत् शब्द तो सन्निहित को कहता है, सन्निहित कौन है ये एक अलग बात होती है कि वो व्यक्ति है या जाति है। तत् शब्द जाति को तो नहीं कहता ना, शब्द बस, तत्शब्द किसको कहेगा, जो भी तत् से कहा जा सकता है। हाँ तद आ जाएगा, हाँ तो उससे कहेगा, लेकिन जाति को कहे ऐसा तो नहीं है ना, सन्निहित को कह रहा है बस, जो भी सन्निहित है उसको कह रहा है, ऐसा करके इसने रोक दिया उसको। जात्याख्याम एक बहुवचन, तो जात्याख्याम को पकड़ लिया उसने, ये तो यहां पर लागू नहीं होता है। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, प्रणव तो सभी को सादर अभिवादन। दियो शांतिरंतर।
वृक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि ॐ शांति शांति शांति।